हे गाइस एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, और मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है फिलर फॉर्म में। तो गाइस इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे कि इस बार यूजीसी नेट जून एग्जाम का योगा का कट ऑफ कितना जाने वाला है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी चैलेंज आंसर की आ गई, काफ़ी विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, तो आप लोग यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अब देखो इसको मेजर कैसे करना है, थोड़ा बेसिक में आपको समझा देता हूँ। जैसे पेपर वन में आपके आए 30 नंबर, 30 क्वेश्चन राइट है, और सेकंड में आपके 50 राइट है, टोटल हो गए 80। तो 80 इंटू अगर आप 2 करोगे तो ये कितना हो जाता है, 160 ये आपका हो जाता है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को फिलर फॉर्म के बारे में नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा फिलर फॉर्म पेपर वन के साथ पेपर सेकंड की 14 सब्जेक्ट की तैयारी करवाता है, जिसके अंदर आपका योगा सब्जेक्ट भी शामिल है। तो आप लोग फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अभी हाल ही में हमने योगा सब्जेक्ट का नया बैच प्रारंभ किया है दिसंबर एग्जाम के लिए, तो जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस एमसीक्यू सब कुछ मिलेगा। इसके लिए आप फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सो गाइस हमारे सामने ये यूजीसी 2023 दिसंबर एग्जाम का कट ऑफ है, ये है आपका नेट का और ये है आपका जारक का। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता मैं बताना चाहूंगा गाइस कि इस बार आपके 3 कट ऑफ बनेगी, एक बनेगा नेट, एक जारक और एक बनेगा आपका पीएचडी का। अगर आप लोग जनरल में आते हो गाइस तो अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपके करीब 175 प्लस नंबर लाना जरूरी है योगा में, तो आपका नेट हो जाएगा। वहीं 200 प्लस नंबर लाओगे तो आपका जारे यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा, और पीएचडी के लिए गाइस आपका 165 प्लस नंबर आपका आना चाहिए तो आपका जारे के साथ पीएचडी माना जाएगा। क्योंकि अगर आपका जारे होता है तो गाइस तो नेट भी इंक्लूड होता है उसमें, पीएचडी इंक्लूड होता है। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी में गाइस आपके यहाँ पर 160 प्लस नंबर आने चाहिए नेट के लिए, और जारेब के लिए 190 प्लस नंबर आना जरूरी है। मैं अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पर ओबीसी में पीएचडी के लिए तो 155 नंबर आना प्लस जरूरी है। एससी की अगर मैं बात करूँ तो एससी में आपका गाइस 150 प्लस नंबर पे नेट होगा, 175 पे आपका जारेब होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पर कि एससी की, तो एससी में आपको 145 प्लस पे आपका हो जाएगा। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी में गाइस आपका 145 प्लस पे आपका नेट होगा, और आपका 170 प्लस पे आपका जारेब क्वालिफाई माना जाएगा। अब यहाँ पर पीएचडी के लिए 135 होना जरूरी है। अब गाइस एक संभावित कट ऑफ है, तो आपको इस पर ज़्यादा खुश या डिमोटिवेट नहीं होना है। रियल जो ऑफिशियल कट ऑफ होगी वो आपकी 15-16 तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी कट ऑफ है ये सब चीज़ें आ जाएगी। गाइस अभी हमने हाल ही में योगा सब्जेक्ट का नया बैच प्रारंभ किया है, जहाँ पर आपको पेपर वन के साथ पेपर सेकेंड की भी योगा की तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस एमसीक्यू पीवाईक्यू मॉक टेस्ट जैसी सेवाएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ओनली सिंगल पेपर का पे करना होगा मात्र 2500 रुपये, और दोनों पेपर का है मात्र 4000 रुपये, जहाँ पर 6 मंथ का ही कोर्स रहेगा। तो फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करके आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।